नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कॉर्न सूप, जो बनाने में भी आसान है। जो लोग वेट लॉस के लिए अपना चाहते हैं कि डाइट, उसमें भी आप लोग इसको खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी बनाइए और सूप को पीजिए। सूप हमेशा ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो जिसके लिए कॉर्न सूप के लिए मैंने कॉर्न लिया, तो 60 से 70% कॉर्न का पेस्ट बना लिया है। ये बीन्स, गाजर इस और अदरक, इस तीनों चीज़ को महीन महीन पेस्ट कर लिया, और 60 से 70% का पेस्ट और 30% कॉर्न ऐसे रखा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर तब तक मैंने क्या किया है, थोड़ा सा घी और बटर डाल करके उसमें अदरक जो चॉप किया हुआ था वो डाल के 10 से 20 सेकेंड इसको हल्का सा पका लेंगे, जिससे उसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। उसमें गाजर, कॉर्न, सबको 1 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको भून लिया है। उससे ज़्यादा इसको ना भूने, आप ऐसे भी उबालेंगे तो अच्छा लगता है। ये हींग चुटकी भर दिया है मैंने, ये फ्लेवर भी बढ़ाने के लिए और डाइजेशन में भी हेल्प होता है। तो 1 मिनट भूनने के बाद इसको हाई फ्लेम पे ये जो कॉर्न का जो पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे। तो ये कॉर्न का पेस्ट डाल देते हैं, और इसके बाद इसमें इसको बस 5 से 10 सेकंड मैंने ऐसे ही चला लिया, और इसमें अब पानी डाल देते हैं। तो देखिए पानी डल गया है, अब इसको उबाल आने देंगे। ये देखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट में भी अच्छा है, और देखिएगा। और ये जो ऊपर ऊपर जो आ जाता है ना इसका फेन, इसको निकाल दीजिए। इससे क्या होता है ना, सूप बहुत ही क्लियर, नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालेंगे तो इससे सूप और भी क्लियर और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, यमी लगता है। यहाँ पे नमक और गाजर को पकने देते हैं। 50% से 60% गाजर पक जाएगा तब इसमें बीन्स डालेंगे। हल्दी, हल्दी चुटकी भर इसलिए डाला है क्योंकि इसका रंग निखारने के लिए, टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ना चाहें तो ना भी दें। ये हरी मिर्च, और इस समय पे अब इसमें बीन्स डाल देते हैं। बीन्स चूँकि बहुत जल्दी पक जाता है, और ये यदि शुरुआत में देने पे क्या होगा, सिर्फ उसका कलर चला जाता है, ये काली मिर्च का पाउडर फ्रेश कूटा हुआ। और बाद में देने से देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हरा, लाल, पीला देखने में कॉर्न, और वो जो ऊपर से निकाल दिया था फेन उसका, तो उसके कारण और भी क्लियर हो गया है। और ये बीन्स का ग्रीन कलर लास्ट तक ये बना रहता है। तो आप लोग ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए, और कैसा बनता है ये भी बताइए। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए। ऐसे ये लिक्विड ही सूप का मतलब ये थोड़ा लिक्विड होना रहता है, लेकिन यदि आप लोग इसको थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं तो कॉर्न है खुद भी हो जाएगा, नहीं तो इसमें कॉर्नफ्लोर या अरारोट को 1 चम्मच मिला के आप लोग डाल दें, और एक ही उबाल आने के बाद बंद कर दें। तो एक बार ज़रूर बनाइए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे